हेलो गाइस, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं अंश गेमर। और गाइस कैसे हैं आप सभी लोग? और गाइस आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। और गाइस पीछे आप हमारा देख रहे हो विलेजर टाउन हॉल, जिसमें कि हमने काफ़ी सारी विलेजर्स की ब्रीडिंग करवाई थी। और अभी हमारे विलेजर टाउन हॉल में काफ़ी सारे विलेजर हो चुके हैं। और गाइस चलते हैं नीचे, क्राउच हटाओ, चलो भागो दौड़ो, चलो चलो भाई अब चलते हैं विलेजर टाउन हॉल के अंदर। काफी दिनों बाद खेलना यार, समझ नहीं आ रही गेम। और हाँ गाइस यार, मैंने वो नहीं अभी नहीं बताऊंगा, रुक के बताऊंगा, क्योंकि तो बता दिया तो क्या हुआ। और अभी अभी मैंने इनके सारे वर्क स्टेशन तो तोड़ दिए थे, और ये ऐसे कैसे हो चुके हैं कि वर्क स्टेशन तो बस ये क्लैरिक का ही पड़ा है। अच्छा ये पुराने ब्लेजर्स होंगे, चलो कोई बात नहीं, ये तो हमें काफी महंगी ट्रेड दे रहा है। और ये हमारे विलेज में क्लैरिक कहते, क्लैरिक तो नहीं कहते, लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन भी काफी सारे हो जाएंगे। और मुझे अब फिलहाल चाहिए एन्चेंटमेंट बुक, तो इसके लिए मैं लेके आऊंगा लैक्टन, जितने भी लैक्टन बन सकते हैं वो लेके आऊंगा मैं। और मुझे अब एन्चेंटमेंट की काफी ज्यादा जरूरत है। और फिर हम जाने वाले हैं डायमंड की माइनिंग के लिए, क्योंकि डायमंड जरूरी है, क्योंकि डायमंड का कवच बनाना है मुझे पूरा का पूरा। और अभी तो मेरे पास आयरन का है, कोई बात नहीं, मैं लैपिस लजूली भी ले गया आया था वहाँ से माइनिंग करके, जो कि मुझे 5 तो पहले की थे, 10 भी मुझे मिल गई थी, 2 ब्लॉक। और आयरन का कवच जो है वो मैं करूँगा अपग्रेड एन्चेंटमेंट। और अभी जो मैंने आपको कहा था एक चीज़ की हम कुछ करने वाले हैं, तो ये देखो गाइस, ये विलेज के लिए मैंने रास्ता बना दिया एक। और गाइस मुझे वुल्फ भी मिले हैं, जो कि मैंने कैप्चर करके एक बोट में रख दिए थे। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, जल्दी से चलते हैं भागते भागते। और यार मैं बोन्स नहीं लेके आया, टेम कर लूंगा। और गाइस ये क्या है यार, ये डिस्पॉन हो गए। शिट यार ये डिस्पॉन हो गए, मुझे तभी नेम टैग दे देना चाहिए था इनको। यार आस पास भी नहीं है ये, यार ये तो शिप ही है। नहीं गाइस यार ये बहुत नुकसान वाला बात हो गया यार, हमारे डॉग डिस्पॉन हो गए। चलो यार कोई बात नहीं, न्यू ढूंढ लेंगे। अब चलते हैं जल्दी से भागते भागते विलेज में, और देखते हैं क्या क्या मिलता है विलेज में। और मैं देख लूँगा इस साइड वाइड कहीं मिल जाए। यार 2 वुल्फ मिले थे मुझे एक साथ, चलो कोई बात नहीं, देखेंगे शायद इसी बायोम में मिलते हैं वो डॉग्स। मैं बोन्स रखा करूँगा अब अपने साथ, अगर मैं बोन्स तभी लेके दे देता ना तो मज़ा आ जाता यार। आज हमारे पास वुल्फ होते। और ये विलेज गाइस हमारे कार्सल के बिल्कुल नज़दीक था, लेकिन हमें दिखा ही नहीं यार ये कभी ये। और मेरी एक्सपी देख रहे होंगे आप, 1 है ये, इसलिए हुई क्योंकि मैं इसी को ढूंढते ढूंढते मरा हूँ यार। और हाँ यार ये भी बंदा काफी तगड़ी, और ये एन्चेंटमेंट दे रहा है एन्चेंटमेंट, चलो कोई बात नहीं यार। और अभी इसके घर के अंदर चल के देखते हैं। अबे चला जा, और काफी ज्यादा तगड़ा बना रखा है गणेश ने। खोलो चेस्ट। ओ गाइस सीरियसली,
यार यार यहाँ पर डायमंड पड़े हुए हैं दो। यार कोई विलेजर्स के घर पे डायमंड भी मिलते हैं क्या? यार दो डायमंड मिल गए, चलो अच्छी बात है यार हमारे लिए। और गाइस यार मैंने पैंट वैसे ही बनाई अपने आयरन की, ये तो मेरे पास है। और एक स्वॉर्ड भी बन चुकी। हाँ यार मुझे एक आयरन की स्वॉर्ड भी काफ़ी तगड़ी करनी है, आयरन की स्वॉर्ड जो कि एडवेंचर पर मैं लेके जाया करूँगा, क्योंकि यही एडवेंचर पर हमारे मरने के पूरे चांस रहते हैं। और यार डायमंड को देख कर तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया यार। और अब चलते हैं आगे, क्योंकि आगे हम एक्सप्लोर करने। और ये नीचे, अच्छा इन्होंने प्लैंक्स लगा रखे हैं, बहुत बढ़िया यार, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा चल रहा है दिमाग इनका, विलेजर्स का। और ये देखो यार ये डर्ट, डर्ट कैसे काफ़ी ज़्यादा तगड़ा दिमाग चल रहा है यार इनका। हम भी अपने कार्सल में ऐसी लाइट लगाएं? नहीं यार हमारा वाला जो ट्रिक है वो अच्छी है, इनसे हम इनसे भी ज़्यादा तगड़े इंसान हैं। और यार ये सुल्तान टू भी मैं ऑफलाइन लेके जाऊंगा यार घर अपने, ऑफलाइन लेके जाने वाला, क्योंकि गाइस इसका बहुत तगड़ा पंगा पड़ता है। और ये क्लैरी किससे ट्रेड करके देखूँ, काफ़ी महंगी ट्रेड दे रहा है यार ये। चलो कोई बात नहीं यार, क्लैरिक वैरिक सब कोई बात नहीं। और गाइस हम यहीं पर ट्रेड करने के लिए आया करेंगे, यहीं पर हम एक हाउस बनाएंगे। और यही तो चीज़ मैं ढूंढ रहा था कभी से, क्योंकि गाइस इसमें होती हैं बुक शेल्फ में 3 बुक, और इसे तोड़ने से मुझे मिलेगी 3 बुक। और ये कितने हैं अब, ये 3 बुक हो गई, और ये 6 बुक हो जाएंगी मेरी, और ये 9 बुक हो जाएंगी। और ऊपर भी है यार, बहुत बढ़िया, ये हो गई हमारी पूरी 12 बुक। और ये लैक्टन, ये रहा, इसी की मैं बात कर रहा था गाइस, क्योंकि ये हमारे जितने भी लाइब्रेरियन हैं वो इसके ऊपर वर्क करते हैं। और ऐसा ही कोई और कर देखते हैं, क्योंकि मैं जब आया था ना मैंने देखा था गाइस ऐसे एक और घर, और ये रहा सामने वाला। हाँ इसका ही गेट खुला हुआ, सबसे पहले यही घर देखा था मैंने। और काफ़ी सारी बुक मिल जाएगी यार यहाँ से हमें, बहुत बढ़िया हो जाएगा। हाँ एक तो यार मैं एक्स बनाने वाला हूँ अपनी, आयरन की एक्स बनाएंगे, और उसे भी हम एन्चेंटमेंट करेंगे, क्योंकि एक्स का अगर आप डायमंड दो डैमेज दोगे ना किसी मॉब को तो वो भी बहुत तगड़ा लगता है गाइस, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो। अगर आप स्वॉर्ड नहीं भी बनाना चाहते हो ना, और गाइस यार हमें घोड़ा की भी ज़रूरत थी, मैं सैडल भी लेके आऊँ अपने साथ, हमें चेतक चाहिए, हमें चेतक की ज़रूरत है। और मैं वीट नहीं लेके आया अपने साथ, तो वीट लेने के लिए चलते हैं। और नीचे ये हेबल है, तो जल्दी से हेबल तोड़ के आते हैं जल्दी से। चलो कहाँ पानियों में डुबकी लगा रहा हूँ यार मैं, जल्दी से तोड़ता हूँ। और गाइस सारी की सारी हेबल मैंने इसमें घुसेड़ दी है, और अब जाके ये टेम हुआ है गाइस, जितनी भी वहाँ पर 5 हेबल थी सारी इसमें घुसेड़ी है। और मैं अपने साथ ये आयरन का हॉर्स आर्मर भी लेके आया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लग रहा है। और ये कितना स्लोली टूट रहा है यार, नीचे जाके तोड़ के देखता हूँ। हाँ यार ये यहाँ से काफ़ी ज़्यादा स्लोली टूट टूट रहा है, नीचे जाना ही पड़ेगा बता रहा हूँ। और नीचे, हाँ यार नीचे यहाँ से जाया जाएगा, और इसको तोड़ो यार, ये देखो ये कितनी जल्दी टूट रहा है, नीचे आके काफ़ी ज़्यादा तगड़ा टूट रहा है। और यार मैं डायमंड की पिकैक्स का यूज़ क्यों कर रहा हूँ, लेकिन करना तो है। लेकिन अब हमारे पास वो है ना अनविल है, तो गैस हमारी जितनी भी एन्चेंटमेंट है, ये डायमंड तो देख ही रहे हो आप हमारे, और एन्चेंटमेंट तो अब हमारी दोबारा हो जाएगी। और ये देखो सारे आर्मर मैंने कर लिए, और जितने भी
डैमेज हुई थी ये मैंने कर ली है पूरे रिपेयर, तभी आपको इनकी फुल फुल दिखाई दे रही है HP। और अभी जल्दी से चलते हैं हम अपने विलेज में। और चल भाई मेरे चल। और यार यहाँ पर काफ़ी सारे हॉर्सेस हैं मेरे पास, और भी सैडल हैं, कभी लेने आऊँगा मैं। पैदल आया करेंगे लेकिन जाया इस पर करेंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है गाइस, अगर आपको पता हो तो। हम इधर से आए थे ना। और गाइस यार फाइनली मैं राइड करके इसके ऊपर आ चुका हूँ। और गाइस ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है यार, ये चेतक हमारा काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। अब मैं नेम टैग दूंगा यार इसको भी, और अभी लैक्टन लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। जितने भी लैक्टन हमारे हो सकते हैं यहाँ पे, पहले मैं बनाता एक क्राफ्टिंग टेबल, क्राफ्टिंग टेबल, और अभी इसे साइड में रख के बनाऊंगा मैं लैक्टन। लैक्टन कहाँ है हमारा? हाँ लैक्टन, लैक्टन के लिए शायद बुक शेल्फ लगती है। हाँ यार इसके लिए बुक शेल्फ लगेगी शायद, बुक शेल्फ बना के देखूँ एक। बुक शेल्फ, हाँ यार बुक शेल्फ बनानी पड़ेगी शायद मुझे तो। बुक शेल्फ चलो बुक शेल्फ बना लेते हैं जितनी बनती हैं, एक से काम हो जाएगा। और ये रहा हमारा लैक्टन। अच्छा इसके लिए वो भी चाहिए हमें, और जितनी भी हमारी बुक शेल्फ बनते हैं उतने बना लेते हैं, काफ़ी रहेंगे इतने। और अभी मुझे बनाने ओक ऑफ स्लैब, और ये रहे हमारे लैक्टन जितने भी बनते हैं बना लेते हैं जल्दी से। और 11 बुक भी हमारी बन सकती हैं, बुक भी मुझे बनानी है लेकिन रुक के बनाऊंगा अभी। जितने भी बनते हैं हमारे और बना लेते हैं, और लैक्टन्स हमारे बन जाएंगे, और प्लैंक्स बना लेते हैं। ये हमारे बन गए लैक्टन, काफ़ी रहेंगे ये। इनको मैं दे देता हूँ जॉब। और ये क्यों खड़ा है यहाँ पे? और ये इसके चक्कर में मैंने बुक शेल्फ लगा दी यार, इसका क्या काम होगा? ये हम लगाएंगे अपने उसके ऊपर का, इसका नाम लेते हैं एन्चेंटमेंट टेबल के ऊपर। और अभी 4 लैक्टन हो चुके हैं हमारे, शायद से काफ़ी रहेंगे। और ये भाई पहले तो सो जाते हैं मेरे हिसाब से, और गलती से क्या लगा दिया मैंने यहाँ पे। और चेतक तो यहाँ पे खड़ा रहे, मैं पहले बजाता हूँ, ये अंदर जाएंगे सोने के लिए, और इसको मैं बाद में तोड़ूँगा। सो जा यार, मुझे ऐसा लगा जैसे बैठे हों। चलो कोई बात नहीं, मैं भी सो रहा हूँ, तुम भी सो जाओ, कोई बात नहीं, एक साथ सोते हैं। और क्या हो रहा है भाई, सो जाओ भाई मेरे। चलो गाइस सो जाओ, गुड मॉर्निंग विलेजर्स, कैसे हो आप? और शायद से हाँ बेड तो काफ़ी है यार, बेड तो विलेजर से भी ज़्यादा हैं। और इसे मैं इसके ऊपर से चढ़ के तोड़ रहा हूँ, क्या बात है ये देखो। और अभी मैं सारे, और देखो हमारा स्केली मर रहा है ऊपर। और अभी मैं लगाने वाला लैक्टन जितने भी लगते हैं लाइन वाइज लगा दूंगा सारे, क्योंकि अभी हमें चाहिए ओनली एन्चेंटमेंट बुक्स। और ये देखो इनमें से कैसे स्टार्स से निकलने हैं, इसका मतलब ये है। और मुझे इसे भी तोड़ के लगाना, क्योंकि
इसमें से भी स्टार निकलेंगे तभी कोई क्लैरिक बनेगा। और ओके गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। Oh, 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 oh